हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ स्टफ़ कैप्सिकम की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत ही आसान। तो चलिए इसे बना लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे मैंने कैप्सिकम के ऊपर वाला हिस्सा जो रहता है उसको काट के निकाल लिया है। ऐसे कट करके आपको भी निकाल लेना। इसके अंदर के जितने बीज हैं सबको आपको अच्छे से निकाल लेना और कैप्सिकम एकदम खाली कर देना। देखिए जैसे मैंने किया है ऐसे ही करना। यहाँ पे मैंने लगभग आधा केजी कैप्सिकम लिया है, सबको मैंने अच्छे से कट करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने पोटैटो को बॉईल करके अच्छे से छील के रख लिया है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अब मैं मसाले तैयार करूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी एक चुटकी ज़ीरा। यहाँ पे आपको फ्लेम लो ही रखना है, नहीं तो मसाले गल जाएंगे। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिली। टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इनको मसालों को भून लेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तब हम ऐड करेंगे पोटैटो। इसको मैंने हाथ से थोड़ा सा मैश किया, ज़्यादा एकदम बारीक मैश नहीं किया। इसको ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे सॉल्ट। तो मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दम आलू मसाला। ये मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा। अगर आपके पास दम आलू मसाला नहीं अवेलेबल है तो आप कोई भी गरम मसाला यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया के पत्ते। अब हम इसको निकाल लेंगे। कैप्सिकम के अंदर इसको स्पून से अच्छे से हमको स्टफिंग भर लेना है, अच्छे से दबा के भर लेना है। ऐसे मैं यहाँ पे भर रही हूँ। यहाँ पे सारे कैप्सिकम को मैंने स्टफ कर लिया है। अब हम इसको पकाएंगे। यहाँ पे मैंने पैन में तेल गरम करने रख दिया है। इसमें एक एक कैप्सिकम आपको अच्छे से ऐड करना है, नहीं तो आपके ऊपर ऑयल उड़ेगा। कैप्सिकम में वाटर बहुत होता है, इसके लिए इसको आप ऐड करोगे कढ़ाई में बहुत उड़ता है, तो आपको थोड़ा संभाल के करना है। इसको ऐड करते ही आप इसको ढक देना तुरंत। यहाँ पर मैंने इसको ढक दिया। थोड़ी थोड़ी टाइम में आपको इसको ओपन करके पलटना पड़ेगा। आप इसको पलट के टर्न करके अच्छे से पकाइए। देखिए एक तरफ मेरा सिक गया कैप्सिकम। ऐसे ही आपको थोड़ी थोड़ी टाइम में इसको चेक करते रहना। देखिए मेरा सारा कैप्सिकम अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया। अब मैं इनको निकाल लूँगी। यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से पक गया हमारे कैप्सिकम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए और मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।